अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? मज़े में। आज हम हिंदी में पांचवा पाठ चिड़ियाघर की सैर का पुनरावर्तन करेंगे। पांचवा पाठ चिड़ियाघर की सैर, उसका पहला प्रश्न है, पहचानिए और विधान के सामने कोष्टक में से उचित नाम लिखिए। आपको यहाँ से प्रश्न दिया गया है, उसके सामने आपको नाम पहचान कर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मेरी नाक पर सिंह है, तो आपको यहाँ ऊपर से उसका उत्तर दिए गए हैं। इसमें से कौन सा प्राणी है जिसका नाक पर सिंह होता है? क्या आएगा? गैंडा। दूसरा है, मेरी गर्दन लंबी है, तो कौन सा प्राणी है जिसकी गर्दन लंबी है? तो जिराफ। तीसरा, मैं एक हिंसक जानवर हूँ और दो पैरों पर चल सकता हूँ, तो यहाँ पर उसका क्या आएगा? भालू। फिर मेरा मुंह काला है, तो क्या आएगा? लंगूर, जैसा हम आगे पाठ में पढ़ चुके हैं। फिर मेरा खोल पत्थर जैसा है, तो क्या आता है उसका? किसका खोल पत्थर जैसा है? कछुआ। फिर मैं पंख फैलाकर नाचता हूँ, तो आप सबको पता ही है मोर। फिर मुझे एक लंबी सूंड है, किसकी सूंड लंबी है? हाथी की। प्रश्न दो है, पढ़िए और लिखिए, ये आपको अपनी स्वातिया पोथी में देख कर अच्छे अक्षर से लिखने हैं, ठीक है? ये है ब, पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर भी आपको दो बार पढ़िए, आपको पढ़ना भी है और अच्छे अक्षर से लिखना भी है। जैसे ये रक्षक लिखा है, रक्षा लिखा है, पक्षी लिखा है, पत्र, नेत्र, पुत्र, ये सारे शब्द आपको देखकर दो दो बार यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद है प्रश्न तीन। प्रश्न तीन है, चिड़ियाघर में जाकर जो करना चाहिए उसके सामने सही और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला जो है, नवीन पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर जानवर देखता है, तो क्या आएगा? सही, ठीक है। फिर दूसरा है, अरुणा जानवरों के पास जोर से चिल्लाती है, तो क्या आएगा? गलत। तीसरा है, शिल्पा जानवरों की ओर कंकड़ फेंकती है, तो क्या आएगा? गलत। चौथा है, राजू जानवरों को चिढ़ाता है, तो चिढ़ाना नहीं चाहिए, तो क्या आएगा? गलत। अनिल चुपचाप जानवरों को देखता है और आगे निकल जाता है, तो यही करना चाहिए, तो क्या आएगा? सही। गीता बंदर के पिंजरे में केला फेंकती है, जो नहीं फेंकना चाहिए। हमको चिड़ियाघर में लिखा होता है बंदरों को खाना देना मना है, तो यहाँ क्या आएगा? गलत। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, उसमें से विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। उसमें से पहला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द मनाई शब्द का अर्थ, मनाई इसमें से कौन सा शब्द आएगा? निषेध, निषेध का अर्थ मनाई आता है, तो इसका मनाई शब्द का अर्थ नहीं है, बराबर। तो निषेध का मतलब मना होता है, मना का मतलब मना होता है, रोक का मतलब मना होता है, तो यहाँ जवाब क्या आएगा? मन। मनाई शब्द का अर्थ नहीं है, बराबर, तो वो मन जिसका अर्थ नहीं है, तो यहाँ जवाब क्या आएगा? सी, मन। इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है, जिसका अर्थ खोलना होता है? तो आवरण का भी कवच और बख्तर तीनों का अर्थ होता है, कांच जो है उसका अर्थ खोल नहीं है, तो क्या आएगा जवाब? क्या आएगा? सी। फिर है, गेंडे की नाक पर क्या होता है? सिंह, तो यहाँ पर जवाब आएगा बी, सिंह। फिर शुतुरमुर्ग सबसे कैसा पक्षी है? बड़ा, सी, बराबर। उसके बाद है प्रश्न छः, सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, छोटे बच्चों की पलकें एक मिनट में कितनी बार झपकती है? एक से दो बार झपकती है। हमारे शरीर को यह वक्त का खाना हजम करने में हम आगे बढ़ चुके हैं पाठ में, कितना वक्त लगता है? 12 घंटे का वक्त लगता है। कौ प्रश्न छः है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था? तो चिड़ियाघर देखने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे, ठीक है। उसके बाद, किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? तो किसके पिंजरे के पास? सेठ के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केले खिला रहे थे। उसके बाद है चौथा प्रश्न, लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह काला होता है। पाँचवा प्रश्न है, तालाब में क्या था? तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। प्रश्न साथ है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहली खाली जगह है, गीता ने खाली जगह को पत्थर बताया, किसको? कछुए को। खाली जगह की नाक पर बड़ा सा सिंह है, किसके? गेंडे की। कछुए का रक्षक उसका क्या है? खोल, ये रहा खोल। यहाँ से आपको जाओ ऊपर से देखकर लिखना है। विदेशी पक्षी का नाम क्या है? काकातुआ।
सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। फिर है प्रश्नार्थ, सही जोड़ बनानी है तो बंदर का क्या आएगा? बंदर या हाथी का हथनी, ये रहा। फिर ऊँट का ऊँटनी, मोरनी का क्या आएगा? मोर। फिर शेरनी का, शेर का क्या आएगा? शेरनी। प्रश्न नौ है, चित्र के नीचे हिंदी नाम लिखिए, इसका इसका हिंदी नाम क्या है? शेर, फिर बतख, फिर गेंडा और तोता। ब है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति, उसमें पहली खाली जगह क्या है? तालाब में क्या तैर रही है? बतख तैर रही है। फिर क्या है? खाली जगह जोर से गर्जा, क्या गर्जा जोर से? शेर। हरियल तोता टेंटे कर रहा था और चिड़ियाघर में एक सिंह वाला गेंडा था। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं, तो आपको यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनको क्रम में लिखना है। तो पहला इसमें आएगा कंगाल, कपूर, कारावास, किलकारी, कीर्ति, कुदाल और कृषि। उसके बाद है जगत, जंगल, जौ, ज्ञान, पतंग, पीला और क्षीर। इसको हम क्रम में, शब्दकोश को क्रम में कैसे आएगा? पहला कौन सा शब्द आएगा? क्षीर, फिर जंगल, फिर जगत, फिर जौ, फिर ज्ञान, फिर पतंग और फिर पीला। ठीक है।